सूत्रों के हवाले से हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि मायावती गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। गठबंधन में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बीएसपी नहीं बनेगी। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है, गठबंधन में शामिल नहीं होगी बहुजन समाज पार्टी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं आशीष से क्या कुछ जानकारी मिल रही है। आशीष, सूत्र क्या बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन से मायावती की दूरी की वजह क्या रह सकती है? देखिए रोमाना, सबसे पहले तो ये बड़ी खबर है जो हमें टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। अनलाइकली है कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा बने। आप ठीक कह रही हैं, कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी उनसे संपर्क साध के किसी तरह उनको इस बात के लिए राजी किया जाए, और दो दिनों से इस तरह के हिंट्स में मिल रहे थे। जैसा वीरेश बता रहे थे अभी कि अखिलेश यादव ने थोड़ा सा अपना स्टैंड सॉफ्ट किया था, लेकिन उसके एक दिन पहले आप याद करें जिस तरह से ट्वीट करके मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला किया था, उस पर बीएसपी का रुख बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। बजाय इसके कि कुछ दिनों पहले मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ शर्तें एक तरह से रखी, लेकिन हमें टॉप सोर्सेज ने रोमाना ये कंफर्म किया है कि डिस्पाइट ऑल दिस बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश के लिहाज से मुझे लगता है ये बहुत बड़ी खबर, उम्मीद जरूर थी क्योंकि साइजेबल जो वोट बैंक है उसको ट्रांसफर करने में कामयाब हो पाएंगे अगर वो अलायंस का हिस्सा बन जाती, लेकिन ये हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगी। आगे के पोस्ट पोल कोई अलायंस होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई टैसेट अंडरस्टैंडिंग वो करती है या नहीं करती है आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन औपचारिक तौर पर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना तकरीबन आप के चलें कि नहीं है, क्योंकि हमें टॉप सोर्सेज ने ऐसी जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष। वीरेश पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।